2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड का सजायाफ्ता मुजरिम विकास यादव पेशी के नाम पर 24 बार दिल्ली से बताया गया, लेकिन पड़ताल में खुलासा हुआ है कि पिछले साल मार्च और मई में वो दो बार बदायूं तो गया लेकिन कोर्ट में पेश ही नहीं हुआ। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि आखिर विकास यादव इस दौरान कहां रहा और क्या साथ गए पुलिस वाले भी विकास यादव से मिले हुए थे। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। कुछ लोग कानून से इस तरह से खिलवाड़ करते हैं जैसे कोई मजाक हो, और मामला तब संगीन बन जाता है जब कानून की रक्षा करने वाले भी इसका हिस्सा बन जाते हैं। 2002 के चर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड का मुजरिम विकास यादव भी इन्हीं लोगों में से एक है। विकास हत्या का दोषी करार देने के बाद भी कानून से लगातार खिलवाड़ कर रहा है। ताजा मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि विकास यादव बदायूं में पेशी के नाम पर दो बार तिहाड़ जेल से निकला तो सही, लेकिन बदायूं कोर्ट में एक बार भी पेश नहीं हुआ। दस्तावेज बताते हैं कि पेशी के नाम पर विकास यादव 14 महीने में 24 बार बदायूं गया, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। विकास यादव को लेकर यूपी सरकार ने जो गोपनीय रिपोर्ट भेजी है उसके अनुसार विकास यादव 21 मार्च 2015 और 25 मई 2015 को पेशी के लिए बदायूं कोर्ट नहीं पहुंचा, जबकि तिहाड़ जेल के रिकॉर्ड के मुताबिक पेशी के लिए विकास 20 से 21 मार्च 2015 तक और 24 मई से 26 मई तक जेल से बाहर रहा। ऐसे में गंभीर सवाल ये है कि इस दौरान विकास कहां था। 6 दिन हर महीने ये बाहर रहते, बदायूं में इनका फार्म हाउस है धनौरी में, और फिर इनकी फैक्ट्री है उसमें भी गेस्ट हाउस है, तो वो एक तरह से इनका घर है। तो इनको हर महीने घर जाने की दो मौके मिलते हैं जिसमें थोड़ी देर ये कोर्ट में होते होंगे। ऐसा पहली बार नहीं है जब विकास यादव ने इस तरह से कानून को ठेंगा दिखाया हो। इससे पहले दिल्ली के एम्स में भी बीमारी के नाम पर विकास 70 बार गया था। कोर्ट के आदेश के बाद हुई जांच से पता चला कि विकास 3 अक्टूबर 2011, 26 अक्टूबर 2011 और 1 नवंबर 2011 को अस्पताल से गायब था, जिसके बाद साथ में गए दो पुलिस वालों को बर्खास्त कर दिया गया था। विकास यादव ने साल 2002 में अपने फुफेरे भाई विशाल यादव के साथ मिलकर नीतीश कटारा की हत्या की थी। दोनों भाइयों को अदालत ने उम्र कैद की सजा भी सुनाई थी, लेकिन लगता है जेल जाने के बाद भी किसी तरह का कोई पश्चाताप विकास को नहीं हुआ। यही कारण है कि लगातार वो पैरोल के नाम पर कानून के साथ खिलवाड़ करता रहा। बताया जा रहा है कि बदायूं में विकास यादव के पिता डीपी यादव का दबदबा है। विकास पर यहां मारपीट का एक केस चल रहा है। इसी के सिलसिले में कोर्ट में ये पेशी हुई थी, जिसमें से दो बार वो अदालत पहुंचा ही नहीं। पेशी के दौरान विकास यादव के साथ पुलिस कर्मी भी होते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि उन पुलिस वालों ने इस मामले की शिकायत क्यों नहीं की, और क्या विकास के साथ गए पुलिस वालों की भी इसमें मिलीभगत है। फिलहाल पूरे मामले की जांच कराई जा रही है, लेकिन अगर एक हत्या का दोषी बार बार कानून से खिलवाड़ करता है तो पुलिस और प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7।